आज जितने यहाँ पे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जितने भी थे, ये इनको खड़ा करने वाला हमारा CPM ही था। বিজেপিকে ভোট দেওয়া মানে গন্ডগোলের সৃষ্টি। হিন্দু মুসলমান তো শান্তিভাবে থাকতে পারবে না, বিজেপিকে রাখার লোক এখানে। ব্যাংক প্রাইভেটাইজেশন হো রিয়ে, এয়ারপোর্ট প্রাইভেটাইজেশন হো রিয়ে, আর তোমার রেল প্রাইভেটাইজেশন হো রিয়ে, আর কে কাহো। CPM যা জো করা থা তো আচ্ছা করা থা, ঠিক তো তৃণমূল নেই কাম করে। নমস্কার, মে ভাষা আর ইস সময় হাম নিউজ ক্লিক কি তরফ সে খড়ে হ্যাঁ হলদিয়া মে। हल्दिया एक इंडस्ट्रियल हब है जिसे बसाने में यहाँ के लोगों का कहना है CPM का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आज यहाँ से CPM की जो पिछली उम्मीदवार थीं वह भाजपा की उम्मीदवार बन चुकी हैं और लड़ाई दोनों के बीच में है, TMC और भाजपा में। और बहुत बड़ी हैरानी की बात यह है कि यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 5,000 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की। अब आइए देखते हैं कि किस तरह से हल्दिया की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो सटी हुई है नंदीग्राम से, वह क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, यहाँ के मतदाताओं की आकांक्षाएं क्या हैं, आशंकाएं क्या हैं, किस तरह से वे इस चुनाव को देख रहे हैं, क्या माहौल है, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तो CPM का, BJP का होगा, तृणमूल का ही होगा, दोनों पार्टी से ज़्यादा लड़ाई होगा। लेकिन पहले तो यहाँ CPM थी ना, अभी तो वो दल चेंज कर लिया ना, इसलिए उसका कोई जरूरत नहीं है। तृणमूल मौजूद है, हाँ काज करे छे तो हमारे कोनो दिन तो चाल दी तो ना, अखन तो चाल दिच्छे, आटा दिच्छे, गम दिच्छे, तेल दिच्छे, छोला दिच्छे, आगे तो कोनो दिन दी तो नहीं उगलो। मुद्दा तो सभी पार्टी की अलग अलग है, कोई BJP लाना चाहता है, कोई तृणमूल लाना चाहता है, कोई CPM लाना चाहता है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी कैंडिडेट आए अच्छा काम करे। 20 बड़े आदमी है और 10 गरीब आदमी है। अब 20 आदमी सोचते हैं कि ये गरीबी हटाओ, गरीबी हटाने के चक्कर में गरीब खुद हट जाएगा, अब उस गरीब को कौन देखेगा। और जो पहले TMC के थे सुवेंदु अधिकारी, वो चले गए भाजपा में, तो अभी आपको क्या लगता है कि क्या होगा यहाँ। वो तो लगता है तो वो आदमी तो बहुत नाइंसमी क्या, बहुत नाइंसमी क्या, जिसका हाथ धर के मैंने पकड़ के आया था, इधर बड़ा हुआ है उसका, उसका ही छोड़ दिया ना, इसीलिए तो हम लोग को बहुत दुख देता है। सुवेंदु अधिकारी आज तृणमूल में रहती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हिंदू मुसलमान का कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, हर एक चीज। यहाँ पहले हिंदू मुसलमान था क्या? सभी थे यहाँ पे, सभी नहीं, उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा था? नहीं नहीं, कभी नहीं थी, कभी नहीं था। इन चीज़ों के मामले में आज तक कभी कोई दंगा भंगा कुछ नहीं हुआ, जो नहीं जो भी हुआ कि भेदभाव के वजह से हुआ है, वैसे कभी दंगे भंगे नहीं हुए, मालिक की वजह से कभी नहीं हुए और ना ही होना चाहिए। यहाँ से पहले पिछली बार आपने CPM को चुना था, वो अभी BJP में चली गई, अब क्या करें, उनकी पार्टी भारी है, सब देखते हैं कि भाई दिन बदलेंगे, माहौल बदलेंगे। आज सभी देख रहे हैं कि हाँ भाई जहाँ पैसा वहीं जा रहे हैं, जहाँ पावर वहीं जा रहे हैं, ये नहीं देख रहा इंसानियत के नाते कि भाई आज हम लोग इनके लिए करेंगे, कल के ये लोग हमारे लिए करेंगे। यहाँ CPM ने अच्छा काम किया था, CPM अच्छा काम किया था। आज जितने यहाँ पे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जितने भी थे, ये इनको खड़ा करने वाला हमारा CPM ही था। BJP के वोट दुआ मैंने गंडगोलर सृष्टि। हिंदू मुसलमान तो शांति भावे थकते पारे नहीं, BJP के राखे लोग नहीं। कब से चला रहे हैं आप रिक्शा? आज 4 बच्चों। यहाँ तो पहले CPM थी। CPM अनेक भालो, CPM अनेक भालो, BJP থেকে অনেক ভালো। CPM তো অনেক তো ভদ্র ব্যবহার আছে, BJP তো একদম নোংরা ব্যবহার। अभी किसका नाम ज्यादा चल रहे हैं, क्या आप किसको पसंद करते हैं? माने इलेक्शन के बारे में ज्यादा कुछ है? हम लोग से जानते हैं, आप वोट नहीं देती? हां वोट देते हैं, बाड़ी लोग जा बोल बताए। बैंक प्राइवेटाइजेशन हो रही है, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन हो रही है, और तुम्हारा रेल प्राइवेटाइजेशन हो रही है, और क्या कहो। GDP तो कम हो गया था, थोड़ा बहुत हो रही है, और क्या और चाहिए। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप तो यंग हैं, आप ज़्यादा लोगों से बात करते होंगे, क्या लगता है लोग सोच रहे हैं? नहीं नहीं, सोच नहीं रहे, इसीलिए तो अंधा वक्त हो गया। बंगाल में भी, बंगाल में भी हो रही कि कह रहे कि BJP आ जाएगा, BJP आ जाएगा। तो 10 बच्चों में जे काम किया तो उससे ज़्यादा
ज़्यादा काम किया था मोदी, और हमको चाहिए जो मोदी को वोट देना पड़ेगा। क्या काम किया उन्होंने अच्छा, 10 साल से देश में है, 2-3 बताइए। ममता जी कुछ नहीं किया। आप पहले किसको वोट देते थे? हम पहले CPM के वोट देते थे। इससे पहले CPM जो करा था तो अच्छा करा था, ठीक, तो तृणमूल नहीं काम करा। मोदी ने क्या दिया हम लोगों का पैसा? दीदी ने चाल दिया है 2 रुपया का, साइकिल दिया है 2 लड़का को, मैं जो हम लोगों का गैस कम दाम में गैस दे छे, और की चाहिए हमारा बांग्लादेश है और की, और वो बाहर देश थी कैसे की दिए छे हमारे के है, बोल छे तो 2 लाख टका देंगे भेजा, तो कौन दिया है क्या? कोई नहीं दिया है, वो लोग टका लेके चले गया है बंगाल को, टका लेके लूट के चले गया। क्या दिया है? वो जब आएंगे इधर बांग्लादेश का दूता पूता जो मारेगा बहुत पिटेंगे। ये हिंदू मुसलमान इस चुनाव में बहुत हो रहा है, क्या आप सोचते हैं? कुछ भी नहीं है, वो नेता लोग उसका फायदा लुटाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहा, और कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे सब मुस्लिम भाई है, हम हिंदू भाई है, हम लोग सब एक साथ में रहता हूँ, हम लोगों का कोई कुछ भी नहीं हुआ है। वो बड़ा बड़ा नेता है, उन लोगों को मुनाफा लुटने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहा है, और कुछ भी नहीं है। हल्दिया में तस्वीर बहुत साफ हो चुकी है, लड़ाई बहुत साफ साफ है। यहाँ जो प्रवासी बंगाली हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनके बीच भाजपा का असर है, लेकिन वहीं तृणमूल के पक्ष में जो गरीब जनता है वह खड़ी हुई है। बहुत से लोग ऐसे मिले जो पहले CPM के साथ थे और इस बार वे BJP को वोट देने जा रहे हैं, और वह खुल के बोल रहे हैं कि ममता को यहाँ से जाना चाहिए। उससे ऐसा लगता है कि जो CPM की सिटिंग MLA हैं वो सिर्फ अकेले नहीं गई, लगता है CPM का जो जनाधार है वह भी भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ है हल्दिया में। Thank you.